सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइज, मैं आपको आज अपडेट देने वाला हूँ BSF में जो वैकेंसी निकली थी हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक एंड रेडियो ऑपरेटर के बारे में, कि उसकी एग्जाम डेट कब है और उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कुल मिला के 1072 पोस्ट है, जिसमें से आप 12th पास नॉन मेडिकल वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, ITI वाले बच्चे अप्लाई कर सकते थे। तो गाइज, इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है वो रखी गई है 26 जुलाई की दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, इसके जो एडमिट कार्ड आने हैं आपके आने थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ, ठीक है, इस महीने की थर्ड थर्ड वीक में आपके एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो है recruitmentbsf.gov.in उसके ऊपर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे परसेंटेज के बेस पे, उन सभी को एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। जिन बच्चों की कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी नहीं हुई थी, हर एक चीज़ जो उन्होंने कहा था वैसे ही आपने अपलोड की थी, तो उन्हीं सब बच्चों को एडमिट कार्ड इनके मिल जाएंगे। गाइस, बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। 26 जुलाई को इसका पेपर है, आपके दो पेपर होंगे, चाहे आपने कोई भी रेडियो ऑपरेटर के लिए भरा है, रेडियो मैकेनिक के लिए भरा, आपके दो पेपर होने हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक होगा डिस्क्रिप्टिव दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही आसान पेपर आता है दोस्तों। जो आपके एडमिट कार्ड है, जो आपके जिस स्टेट में दोस्तों आप, उसी स्टेट में आपका एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि अगर आप हिमाचल या पंजाब के या पंजाब से हो दोस्तों, आपका हो जाएगा जलंधर में, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप जैसे जम्मू में, तो आपका जम्मू में बांतालाब में भी दोस्तों इनका जो है सेंटर है BSF के, तो वहाँ पर भी इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो गाइस, छोटी सी अपडेट देनी थी कि 26 जुलाई को इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जो कि ऑफलाइन पेपर होगा। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो होने वाली है वो होगी 0.5 की, यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऑफलाइन पेपर होगा दोस्तों, आपको ऑफलाइन ही पेपर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी दोस्तों जलंधर में इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बुक कर रखे होंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह में, वहीं पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान पेपर आया था, कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरेंस, साइंस, करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शुरू से, उनके लिए बहुत ही आसान है जो कि एग्जामिनेशन निकालना, ठीक है। और 40% पे कट ऑफ रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST OBC है तो 33% पे कट ऑफ रखा गया। अगर आप एक्सर्विस मैन है तो 33% पे कट ऑफ रखा गया है। तो जरूर जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आएंगे, जरूर एग्जामिनेशन देना जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों, और कोई अगर अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा दोस्तों आप, तो वहीं से मैं दोस्तों जो रिस्पेक्टिव कमेंट होंगे उनको पढ़ के दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये छोटे से अपडेट देना था कि 26 जुलाई को आपका पेपर है दोस्तों, इस महीने के थर्ड वीक में आपके एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना दोस्तों। जो बच्चों के 50% या 60% मार्क्स हैं 12th में दोस्तों, ITI में या फिर डिप्लोमा में, उन सभी बच्चों को एडमिट कार्ड आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो थैंक वॉचिंग द वीडियो गाइस, जय हिंद एंड जय भारत।